हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बी एवरेजेस जो ताजगी देती हैं। तो उसमें हमने पहले किया था टी, चाय, और आज हम करेंगे कॉफ़ी। ठीक है, तो जो कॉफ़ी है दैट हैविंग बोटैनिकल नेम कॉफिया अरेबिका, जनरली और कॉमन नेम वर्नाकुलम नेम दैट इज नोन एज कॉफी एंड इट बिलोंग टू द रूबिएसी फैमिली। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉफ़ी। जो कॉफ़ी है वो सबसे पहले नेटिव या फिर वाइल्ड फॉर्म में कैफा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिली थी एंड दिस डिस्ट्रिक्ट बिलोंग्स टू द सोवा ऑफ साउथ वेस्ट एबिशियाना। ठीक है, तो जो कैफा डिस्ट्रिक्ट है उसी के नाम के ऊपर इसको नाम दिया गया कॉफ़ी। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रेजेंटली देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड कल्टिवेट की जाती है कॉफ़ी, और जो मोस्टली जिन कंट्रीज़ के अंदर कल्टिवेट की जाती है मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इंक्लूड ब्राज़ील, अरेबिया, सेलोन, इंडिया, जावा, फ्रांस, वेस्ट इंडीज़। ठीक है, जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अंदर 1722 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जो ब्राज़ील है वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है कॉफ़ी का वर्ल्ड वाइड। इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो सबसे पहले 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था कॉफ़ी को इंडिया के अंदर, लेकिन जो कल्टीवेशन है वो 19th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ। और अगर आप प्रेजेंटली देखते हो तो प्रेजेंटली जो मसूरी, चेन्नई, केरला, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर और इन रीजन्स के अंदर इंडिया में ग्रो करवाई जाती है, कल्टीवेट करवाई जाती है फॉर द कमर्शियल पर्पस। अगर आप प्लांट की बात करते हो, बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन, प्लांट्स बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन, तो जो प्लांट है कॉफ़ी का दैट इज़ द स्मॉल ट्री। ठीक है, स्मॉल ट्री की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मॉल ट्री है उस पर आपकी जो मच ब्रांच्ड एट द टॉप पोर्शन एंड हैविंग अपोजिट लीव्स। ठीक है, जो लीव्स हैं वो अपोजिटली एक दूसरे के अपोजिट, जैसे ये सेंट्रल एक्सिस है, ब्रांच है, तो इसके ऐसे एक ही पॉइंट से आपके दो लीव्स अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, तो अपोजिट और एवरग्रीन लीव्स आर प्रेजेंट। जो लीव्स हैं उनके एक्सिस पे, ठीक है, जहाँ से लीव स्टार्ट हो रहे हैं तो उन्हीं की एक्सिस पे उसी पॉइंट से जो फ्लावर है वो ओरिजिन होता है, और जो फ्लावर होंगे वो एक्सिस पे जो एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, एक ग्रुप में, गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं एंड देट आर वाइट इन कलर। ठीक है, वाइट कलर में होंगे और फ्रेगनेंस, स्वीट सी फ्रेगनेंस होती है उनके अंदर। तो जो फ्लावर है वो वाइट होंगे, स्टार शेप में, क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे, फ्रेगनेंस होगी, और जो एक्साइल है लीव्स की उस पर इनका ओरिजिन होता है फ्लावर्स का। तो जो फ्लावर है दैट प्रोड्यूस फर्दर टू ग्रो, जो फर्दर ग्रोथ है फ्लावर की उससे क्या बनता है आपका फ्रूट और सीड्स। तो जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट इनके अंदर आपके बेरी टाइप होते हैं। ठीक है, बेरी टाइप फ्रूट होते हैं जिनके अंदर आपके 1 or 2 सीड्स आर प्रेजेंट। एक सिंगल फ्रूट में आपके 1 या 2 सीड प्रेजेंट होते हैं, और अगर आप उसको फ्रूट को इमेच्योर फॉर्म में देखते हो तो ग्रीनिश कलर में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हो जाते हैं फ्रूट तो वो येलो या फिर रेड कलर ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो जो मैच्योर फ्रूट है दैट इज नोन एज चेरी, कॉमनली उसको बोलते हैं चेरीज। तो उसके बाद आता है कल्टीवेशन, या कल्टीवेशन है, उससे पहले हम जैसे करेंगे कि जो कल्टीवेशन है उससे पहले जो सीड्स हैं, स्पेशली सीड्स कॉफ़ी फॉर्मेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो सीड है, जैसे ये बताया था कि फ्रूट के अंदर आपकी जो बेरी टाइप फ्रूट है उनमें 1 or 2 सीड्स आर प्रेजेंट, तो जो सीड होंगे दैट आर ग्रीनिश ग्रे इन कलर,
और बाहर की साइड से आपकी हर्ष पर्चमेंट एक मतलब थिन सी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उसे कवर्ड फॉर्म में ड्राई लेयर होगी और उसे कवर्ड होंगे, ठीक है। अगर आप एक सिंगल सीडेड फ्रूट लेते हो, ऐसा फ्रूट जिसके अंदर सिंगल सीड प्रेजेंट है, तो उसका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो मैक्सिमम होता है, हाइयर प्राइस ऑब्टेन करते हैं वो, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी बेस्ट होती है कॉफी की, ठीक है। और उसको जनरली बोलते हैं पी बेरी, जिसे वैसे तो फ्रूट को आप बेरी बोलते हैं जो कॉफी का फ्रूट है, लेकिन जिसके अंदर सिंगल सीड होगा उस फ्रूट को बोलेंगे पी बेरी, ठीक है। देन जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन के लिए किस तरह की क्लाइमेट और किस तरह की सोइल नेसेसरी है कॉफी के लिए, तो जो क्लाइमेट है दैट इज ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कल्टीवेशन के लिए। और जो रेनफॉल है दैट इज अबोव 80 इंचीज एनुअली, 80 इंचीज, 80 इंच से ऊपर आपका इसे रेनफॉल होना चाहिए। टेम्परेचर दैट बिलोंग्स फ्रॉम 55 to 90 degree Fahrenheit, ठीक है। जो सॉइल है, सॉइल इनके अंदर स्पेशली लोम सॉइल या फिर आपकी जैसे स्लोपी एरिया के अंदर जो सॉइल प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्लोपी एरिया के अंदर जो जेंटल सॉइल, बिल्कुल बारीक बारीक से सॉइल और जिसमें छोटे छोटे कंकड़ से होते हैं, तो वो सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है कॉफी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। लेकिन जो लोमी सॉइल है या फिर जो आप जेंटल सॉइल ले रहे हो स्लोप एरिया की, वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, रिच इन ह्यूमस होनी चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। वन मोर थिंग दैट इज मोस्ट नेसेसरी फॉर द बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट यील्ड ऑफ द कॉफी, दैट इज द ड्राई स्पेल ऑफ दिसंबर टू जनवरी, ठीक है, दिसंबर से जनवरी तक 1-1.5 महीने के लिए बिल्कुल ड्राई जो कंडीशन है वो इसके लिए नेसेसरी है, ठीक है। अगर ये कंडीशन इसको मिलती है तो बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट यील्ड कॉफी की हमें मिल सकती है। सो दिस इज अबाउट द ओरिजन, डिस्ट्रीब्यूशन, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन एंड क्लाइमेट और सॉइल फॉर द कल्टिवेशन। ओके, होप यू गाइज गेट इट वेल। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉफी दैट इज द कल्टिवेशन और प्रिपरेशन ऑफ कॉफी, वी टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।